गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वीना सहाय। मैंने पिछले लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई कर सके, है ना। वो हिंदी मीडियम में साइंस की पढ़ाई को आसानी से समझ सके, इसलिए मैंने बुक से ही पढ़ाया है आप लोगों को। बुक रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना। तो अभी मैंने बहुत सारा वीडियोस कंप्लीट किया है और अब मैं आज चैप्टर 12 यानी कि ध्वनि साउंड आज से मैं पढ़ाऊंगी, है ना। मैं बतलाऊंगी आप लोग बुक है या नहीं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं बुक से ही पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आज है ध्वनि। ध्वनि शब्द सबका सुना हुआ है कि ध्वनि मीन्स क्या होता है, है ना। साउंड आवाज, किसी तरह की आवाज, खनखन, झिनझिन, टिन टिन, ट्रिन ट्रिन, किसी भी तरह का साउंड वो क्या कहलाएगा, ध्वनि। जब बिल्कुल शांत रहता है पूरा जगह, पूरा घर, पूरा माहौल, तब भी आप देखिएगा कहीं चिक आवाज आएगी। और यदि थोड़ा सा कुछ खुला एरिया है, बाग बगीचा है, तो झिंगुर की आवाज आएगी। मतलब आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ ध्वनि जो है आपको सुनाई पड़ता ही जाएगा, है ना। हम लोग को पता नहीं चला कि आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन किसी तरह की कुछ भी आवाज, खनखन, कनकन, चिन चिन, ची ची, जिंग जिंग तरह की आवाज सुनाई पड़ती है, वही है ध्वनि। तो हम लोग ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग विज्ञान की दृष्टि से ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे ध्वनि है क्या और ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है और कैसे हमारे कानों तक पहुंचता है और कैसे हम उसका उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम स्पष्ट सुनते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो आज हम वही आप लोग को बतलाएंगे। तो प्रतिदिन हम लोग कई स्रोत है सुनने का, प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों, जैसे हम लोग हैं पशु पक्षी है, चिड़िया जहान, वाहन, टेलीफोन, मशीन, मतलब हर तरह का, है ना। कई कुछ तो जनरेटर का गड़गड़ आवाज आ रहा है, कई हेलीकॉप्टर का गड़गड़ आवाज आ रहा है, कई मशीन का आ रहा है, कई टंटा टंटा घंटी की आवाज आ रही है। तो इस तरह की ध्वनि हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि भी एक ऊर्जा का रूप है। जैसे अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 11 में क्या पढ़ा, कार्य, कार्य और ऊर्जा। तो ऊर्जा का हम लोगों ने अनेक रूप देखा, देखा ना, कई तरह की ऊर्जा। तो उसी तरह ध्वनि भी एक ऊर्जा का ही रूप है, है ना। जैसे प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उस तरह से उसी तरह से ध्वनि भी ऊर्जा का ही रूप है जो हमारे कानों तक पहुंचता है और कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ऊर्जा के अन्य रूप है यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा, मतलब कई तरह के है। तो आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है क्योंकि इसके पहली वीडियो में मैंने सारा कंप्लीट किया है, सारे क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा और बनाया भी होगा 11 चैप्टर का, सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे, है ना। और अब आप लोग साउंड पर ध्यान देंगे। साउंड सबको आ रही है ना मेरी? हाँ, आना चाहिए, नहीं तो मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा ना। साउंड ही पढ़ा रहे और साउंड ही आप लोग तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, सारा मेहनत मेरा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऊर्जा संरक्षण के बारे में तो पता है, इसके अनुसार आप ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको विनाश कर सकते हैं, ना। ये पहले मैंने भी बतलाया था कि ना तो उसको हम निर्माण कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना। यह क्या होता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में
चेंज हो जाता है ना। जब हम ताली बजाते हैं तो साउंड उत्पन्न होता है, तो क्या हम अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? जब हम ताली बजाते हैं तो क्या करते हैं, जोर जोर से ताली बजाते हैं ना, तो दोनों हथेलियों को हम जोर से अपने हाथ में मारते हैं, तभी तो ताली बजता है। यदि जोर से ताली बजाएंगे हम और जोर से अपने हाथ ऊपर मारेंगे, है ना। तो क्या बिना ऊर्जा का उपयोग किए ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया? इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है और किस माध्यम से या किस प्रकार संचारित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है, कहां से हमारे कानों तक ध्वनि उत्पन्न होता है और हम सुनते हैं और सुनने के बाद हम उसका जवाब देते हैं। कभी कभी होता है ना कि सुनाई नहीं पड़ रहा था, जवाब देंगे क्या, है ना। तो यही हम लोग आज पढ़ेंगे कि ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। एक छोटा सा एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी छोटे बच्चे लोग बहुत करते हैं, ये तो नहीं और रबड़ वाला और ये वाला और आके हम बतलाएंगे। यह एक स्वरित द्विभुज है जिसकी किसी भुजा को एक रबड़ के पैड पर मारकर इसे कंपित कराएंगे। तो ये आप लोग स्वरित द्विभुज आप लोग प्रैक्टिकल रूम में देखिएगा, यदि प्रैक्टिकल हुआ होगा तो आप देखेंगे कि कैसा रहता है। ये बना हुआ है ना, तो ये प्रैक्टिकल रूम में ही आप लोग देख सकते हैं, लेकिन अंदाज तब तक लगा लीजिए। रबर के पैड पर मारकर इसे कंपित कराते हैं और अपने कान को इसमें सटाते हैं, तो क्या कोई ध्वनि सुन पाते हैं? कंपमान स्वरित द्विभुज की एक भुजा को अपनी उंगली से स्पर्श कीजिए और अपने अनुभव को अपने मित्रों के साथ बांटिए। क्या होता है? कंपित होता है ना, कंपित होता है धीरे धीरे। अब एक टेबल टेनिस या छोटी प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाइए। एक लंबे सुई और धागा लीजिए, एक लंबे सुई और धागा लीजिए और धागे के एक सिरे पर गांठ लगाइए और उसे सुई की सहायता से धागे को गेंद में पिरोइए। गेंद में उसको डाल देना धागा और सुई को, और कंपन पहले कंपन न करते हुए स्वरित द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कराइए। गेंद को हम लोग क्या करते हैं, उसको स्पर्श कराते हैं जब वो कंपन नहीं करता है उस समय, हाँ। अब फिर कंपन करते हुए स्वरित द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श किए, ये जो है ना, ये इसी को स्वरित द्विभुज कहते हैं, द्विभुजा है इसलिए द्विभुज कहते हैं। तो इसी को हम लोग इसमें टच कराते हैं टेबल टेनिस की गेंद में, है ना। तो कंपन होगा तो आवाज होगा, तो वही एक्सपेरिमेंट करने के लिए बतला रहा है कि इसको एक्सपेरिमेंट हम लोग घर में कर सकते हैं। तो पहले कंपन न करते हुए स्वरित द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए, फिर कंपन करते हुए स्वरित द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए, यानी कि इससे, है ना। अब देखते हैं क्या होता है, विचार विमर्श कीजिए, दोनों अवस्थाओं में अंतर की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए। जब हम टेबल टेनिस के बॉल को स्वरित त्रिभुज से मारेंगे तो थोड़ा सा कंपन होगा ना, वो अपने स्थान से यहाँ से विस्थापन होगा, कुछ तो जरूर होगा, है ना। जब उसे स्थिर छोड़ देंगे तो धागा इसी तरह लटका रहेगा, टेबल टेनिस की गेंद इसी तरह लटका रहेगा। लेकिन जब हम कंपमान स्वरित त्रिभुज को करेंगे तो ये कंपन करके आगे पीछे होगा। आप लोग क्लास में बैठते हैं तो क्लास में देखते हैं अक्षरा, जरा सा हेड डाउन करके आप बेंच पर रखते हैं अपने सर को, हेड डाउन जब करते हैं तो कोई यदि बेंच को जोर से मारता है, या हम ही लोग बैठे कभी जोर से बेंच को मारते हैं एक मुक्का से, या जोर से किताबी रखते पटकते, तो क्या होता है, पूरा कंपन होता है और आपको कान में
अस्पष्ट कंपन सुनाई पड़ेगा। बेंच पर बैठ के यदि आप सर डाउन करते हैं और वहीं पर कोई बजाता है जोर से, या हम धीरे धीरे किसी तरह की आवाज करते हैं या खुरचने का आवाज करते हैं, तो आपको कान में वो कंपित आवाज जरूर जाएगी। आप लोग ऐसा करते होंगे, अभी भी करके देखिएगा आप लोग, जब भी बैठिएगा क्लास में तो आप लोग करके देखिएगा, है ना। तो कंपमान सुनते द्विभुज लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद को स्पर्श करते हुए ये बतला रहा है कंपन जो करता है उसके बारे में। फिर है एक तो एक्टिविटी है कि एक बीकर या ग्लास को ऊपर तक पानी से भरिए और कंपमान स्वरित द्विभुज की एक भुजा को 12.2 में दर्शाए अनुसार पानी की सतह से स्पर्श कराइए। चित्र 12.3 में दर्शाए अनुसार कंपमान स्वरित द्विभुज की दोनों भुजाओं को पानी में डुबोइए, दोनों भुजा है ना। स्वरित्र इसको ट्यूनिक फॉर्क बोलते हैं, ज्यादा बार बार कठिन हो रहा है बोले, इसको ट्यूनिक फॉर्क बोलते हैं ना। तो दोनों भुजाओं को पानी में डुबोए और देखिए कि दोनों अवस्थाओं में क्या होता है। और अपने साथियों से विचार विमर्श कीजिए, कंपमान स्वरित्र द्विभुज और ये ग्लास में पानी भरा हुआ है ना। देखिए कैसे कंपन हो रहा है, थोड़ा सा कंपन हो रहा है ना। कंपमान स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा पानी की सतह को स्पर्श करते हुए, पानी की सतह को स्पर्श करते हुए। अब यहाँ पर देखिए कंपमान स्वरित्र द्विभुज, अब इसको हम लोग ऐसे करके डाले हैं और ग्लास पे पानी भरा हुआ है, ग्लास में पानी है और द्विभुज को स्वरित्र द्विभुज की दोनों भुजाएं पानी में डूबी हुई है ना। और यहाँ पर क्या था, कंपमान स्वरित्र द्विभुज की दोनों भुजाओं को पानी में डुबोइए। हमको दोनों तरफ से एक्सपेरिमेंट करके देखना है, एक स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को पानी की सतह से स्पर्श कराइए, जो कि इसमें है 12.2 में क्या है, एक भुजा पानी की सतह पर सटा हुआ है और इस चित्र में है स्वरित्र द्विभुज की दोनों भुजाएं पानी की ओर है, पानी के अंदर पानी की सतह को टच कर रहा है ना, उसका जो सरफेस है उसको टच कर रहा है और ग्लास में पानी है और द्विभुजा को इस तरह से डाला गया है कि दोनों भुजाएं पानी में डूबी रहे, है ना, पानी में डूबी रहे। उपरोक्त क्रियाकलापों से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक कोई वस्तु कंपन नहीं हो, है ना, कंपमान स्वरित द्विभुज ग्लास, जब तक कोई वस्तु कंपमान न हो, ठीक है, तो क्या उसके बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं, है ना, इसका आंसर क्या होगा, नहीं। तो उपरोक्त क्रियाकलापों से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि बिना कंपमान वस्तु के ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी, आप जैसे हम लोग खाना खाते हैं या थाली या ग्लास कुछ भी रखते हैं, यदि हाथ से वह बर्तन छूट जाता है, वो धरती पे गिर जाता है, तो आप देखिएगा काफी देर तक बर्तन जो है सो वह वाइब्रेट करते रहेगा, करता ना, वो वाइब्रेट करते रहेगा, इतना वाइब्रेट करेगा कि जब तक आप उसको हाथ से छू के रोकेगा नहीं तो वह वाइब्रेट करेगा और उतनी देर तक आवाज आती रहेगी। ये छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट सबके घर में हो चुका, सबके हाथ से कुछ गिरता होगा, है ना, गिरता और कंपन करता ही रहता है, जब तक उसको पैर से या हाथ से रोकेंगे नहीं तब तक वो साउंड देता ही रहेगा, वाइब्रेट होता ही रहेगा और आवाज आती ही रहेगी, है ना। तो या घंटी ही बजाते, घंटी को जैसे आप छुएगा घंटी रुक जाएगा, और जब तक नहीं छुएगा तो देखिए वो खूब कंपन भी कर रहा है और उसमें
आवाज भी आ रही है, तो ये अनुभव आप लोग को जरूर होगा, है ना। अब तक वर्णित क्रियाकलापों से हमने स्वरित विभूत से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न किए। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु से फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं? हम वस्तु को कंपमान करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से इधर उधर बार बार गति करना, है ना। जो मैंने आपको क्या बताया कि आप क्लास में बैठे रहिए या चौकी पर या बेंच पर आप हेड डाउन कीजिए, देखिए आपके बगल में कोई जल्दी से खुरच रहा हो, कोई उंगली से ऐसे कर रहा हो, कोई नाखून से खुरच रहा हो, या कोई आपके बगल में पुस्तक को धीरे धीरे पटक रहा हो, या कोई डस्टर झाड़ रहा हो, है ना। तो आप कान आपका बेंच में सटा रहेगा तो लगेगा कि पूरा कंपन और पूरा क्लियर आवाज आ रहा है ना, एकदम क्लियर कंपन आपको क्लियर पता चलेगा और उसके द्वारा और साउंड भी कान में जाएगा। तो वही है कि हम घर्षण द्वारा या खुरच करके या रगड़ करके या फूंक करके या हिला करके कुछ भी करके हम आवाज को निकाल सकते हैं, है ना। मान लीजिए ग्लास या बॉटल में पानी है, तब पानी कम है तो सब खूब हिलाएंगे, गड़गड़ आवाज आएगा, है ना। वो तो हम तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन वो आवाज वाइब्रेशन हुआ कि आवाज आने लगी, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। मनुष्य में वाक ध्वनि, हम लोग में वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि जो उत्पन्न होता है वह तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होता है। जो वाक तंतु है हमारे गले में वह वाइब्रेट होता है ना, वाइब्रेट होने के कारण आवाज कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो क्या आप कोई ध्वनि सुनते हैं? सुनाई पड़ता है ना, पक्षी पंख को फड़फड़ाएगा तो हम लोग को सुनाई पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि मक्खी जब हिनहिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? उसका भी पंख फड़फड़ाता है तो आवाज आएगी। वो आप मच्छर भी भिन्न भिन्न करता रहेगा, वो अपना उड़ता रहेगा तो भी ध्वनि उत्पन्न होगी। एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींच कर छोड़ने पर भी यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। ये सब छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट आप लोग बचपन में जरूर किए होंगे। रबर के बीच में बटन बांध देना, बटन बांध के उसको खींचना और उंगली से उसको टक 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 करना और खींच के छोड़ देना, आवाज आना, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे बच्चे में हम लोग भी करते थे, आप लोग भी करते होंगे। और डोरी को माचिस के डब्बा में बांध देना, एक दूसरा फ्रेंड को पकड़ा देना और बात करना धीरे धीरे, जैसे लग रहा है कि साउंड हमारे यहाँ से वहां तक जा रहा है, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि छोड़ने पर कंपन करता है और जब कंपन होता है तो साउंड उत्पन्न होता है। तो यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो करके देखिएगा कि तनी हुई रबर के छल्ले में किस तरह से कंपन होता है, वो आपको देखने को मिलेगा और सुनाई भी पड़ेगा, ठीक है। अब एक्टिविटी देखिए 12.3 में कि विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए और अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन वाद्य यंत्रों का कौन सा भाग कंपन करता है, है ना। आप लोग तो छोटे हैं फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे। सबसे पहले तो आजकल छोटे बच्चे लोग गिटार देखे होंगे, बैंजो देखे होंगे, सितार है, वीणा है, बहुत सारा वाद्य यंत्र है जो कि कुछ तार से मतलब सब में अलग अलग तरह से साउंड आता है। जैसे गिटार है उसमें तार का कंपन होता है, सितार में तार का कंपन, वीणा में तार का कंपन, फिर आपका एक तारा में तार का कंपन, और कुछ में है कि आपका तबला है तो उसमें उसके ऊपर जो इसका चमड़े का लेयर लगा हुआ है उसका कंपन, ढोलक में वो चमड़े का लेयर का कंपन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सब वाद्य यंत्रों में
कोई ना कोई भाग ऐसा जो कि कंपन करता और कंपन करता है तभी आवाज निकलती है ना। जैसे हारमोनियम में हारमोनियम को वायु के द्वारा हो रहा है, हवा के द्वारा उसमें बज रहा है, यदि वायु को हम रोक देंगे तो गाना बनना, आवाज आना हमेशा बंद हो जाएगा। बांसुरी लेते हैं तो वो भी हवा के माध्यम से फूंक से उसमें कंपन हो रही है, और फूंक के कंपन से ही हमें मीठी मीठी आवाज बांसुरी की सुनाई पड़ती है ना। तो ये है हमारा ध्वनि, ध्वनि कैसे संचारित होता है, किस तरह से ध्वनि हमें सुनाई पड़ता है। ध्वनि का कोई लिमिटेशन नहीं है कि बस हम लोग जो आपस में बोल रहे हैं बस वही ध्वनि है ना। ध्वनि का कोई लिमिटेशन नहीं कि इसी तरह का आवाज है, ध्वनि अनंत है और कई तरह की आवाज हम सुन सकते हैं। ठीक है, अब एक ध्वनि का सचर, अभी हम घर में तो घर में सबका आवाज सुन रहे हैं, मोबाइल का आवाज सुन रहे हैं, टीवी का आवाज सुन रहे हैं, रेडियो का आवाज सुन रहे हैं, खाना बनाने का आवाज सुन रहे हैं, जनरेटर का आवाज सुन रहे हैं है ना, पंखा का आवाज सुन रहे हैं, कूलर का आवाज सुन रहे हैं। हम और कुछ बाहर जाएंगे जंगल झाड़ में जाएंगे तो पक्षियों का आवाज सुनेंगे, और दूर हम चले जाएंगे पूरे शांत माहौल है तो अब हवा बहने की आवाज सुनेंगे, और आगे बढ़े तो नदी पे पानी बहने का आवाज सुनेंगे, उसका एक अलग मधुर संगीत होता है, कलकल कलकल आवाज आएगा। आप समुद्र की लहर के पास जाएंगे उसका एक अलग आवाज आएगा, हलचल हलचल कलचल। तो इस तरह से देखते हैं कि ध्वनि का कोई लिमिटेशन नहीं है, हम कहीं भी और किसी जगह किसी तरह का साउंड हम सुन सकते हैं, लेकिन सबका एक ही माध्यम है ध्वनि का सुनना, ध्वनि का संचरण होना, बस उसमें एक माध्यम चाहिए है ना। अब हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। तो द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है, मतलब जिससे होकर वो गुजरती है, जिससे होकर क्रॉस करते हुए, उसका माध्यम कहलाता है। हर चीज के लिए कि मीडिएटर होता है ना, किस मीडिएटर से वह जल्दी खबर जाएगा, आएगा, वह साउंड सुनाई पड़ेगा है ना। तो इसके लिए हम देखते हैं कि किस द्रव्य से या किस पदार्थ से होकर आसानी से ध्वनि का संचरण होता है, और सबसे ज्यादा किससे ध्वनि का संचरण होता है ये हम लोग जानेंगे, किसमें ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है, हाँ किस माध्यम में हमें सुनाई नहीं पड़ेगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्वनि का संचरण जो है वह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है ना, ठोस भी द्रव भी गैस तीनों हो सकता है, और स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से ही होकर पहुंचती है, कोई ना कोई माध्यम चाहिए सुनने के लिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए तभी हमको सुनाई पड़ेगा, नहीं तो वरना वस्तु कंपन करता रहे हमें कोई आवाज नहीं आएगा। तो ये जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ये अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है, अपने चारों ओर के जो कण होते हैं उनको कंपमान कर देती है, और ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम की कण अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित होते हैं, ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं है ना, माने गति में गतिशील तो स्थापित अथवा से घसक जाते हैं। फिर से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते हैं। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं, ये अपने समीप के यानी कि अपने अगल बगल के अपने चारों ओर के अपने चारों नहीं पहले अपने समीप के अपने नजदीक के कणों पर एक बल लगाते हैं
और जिसके फलस्वरूप उनके निकट निकटवर्ती जो पार्टिकल्स है, जो कण है, वे अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। जो शांत अवस्था में जो रहता है वह विस्थापित हो जाता है और निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं। और माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती है, है ना? ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हमारे कानों तक आवाज नहीं पहुंच जाती है। तो निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात जो शुरुआत का जो कण हुआ, जो जब हम स्टार्ट की बात करना, वो प्रारंभिक कण जो है वह अपनी मूल अवस्थाओं में, जिस अवस्था में थी, में वापस लौट आते हैं। और माध्यम में यानी कि बीच का जो ये माध्यम जो हुआ में, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है कि जब तक ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती है, है ना? तब तक वह क्रिया चलती रहती है। तो माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम से होता हुआ संचरित होता है, है ना? ध्वनि में माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ यानी कि साउंड के द्वारा, आवाज के द्वारा जो विक्षोभ होता है माध्यम के कण नहीं, विक्षोभ जो है वह माध्यम से होता हुआ संचरित होता है, यानी कि उसमें से होकर वह गुजरता है, संचरित होता है। तो तरंग एक विक्षोभ है, तरंग। तो इसमें ना थोड़ा सा और हम लोग और आगे पढ़ेंगे तो बतलाएंगे। विरल और सघन माध्यम होता है और जो तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है, है ना? उसको भी मीडियम चाहिए, कोई ना कोई मीडियम चाहिए, उससे होकर वह गति करता है। और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण जो है वह निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं और ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं, इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। और माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ता जाता है, है ना? विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती है। और क्या कहलाएगी? यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। अभी जैसे भी बतलाते कि इसमें कोई ना कोई माध्यम का जरूरत है। यदि माध्यम हजार हम चिल्लाए बोले लेकिन यदि माध्यम नहीं है तो वह हमारे कानों तक आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। तो सबसे अच्छा माध्यम है, सबसे सटीक माध्यम है और सबसे अधिक सामान्य माध्यम है हमारा हवा, है ना? जहाँ हवा नहीं है, जहाँ निर्वात नहीं है, वहां आप चिल्लाते ही रहिए, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अच्छा माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे और कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संप्रेरित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है? और इस क्षेत्र को संपीड़न सी कंप्रेस्ड से कहते हैं। और यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है और जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है
तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी, है ना। विक्षोभ क्या होता है और सघन विलयन क्या होता है, संपीड़न क्या होता है, ये सब के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी बस यहां तक रहने देते हैं कि ध्वनि का संचरण के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या है, हवा। ठीक है, ध्वनि के संचरण में सबसे अच्छा माध्यम हवा है। हवा जहां पे नहीं रहेगा आपको आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बतलाऊंगी प्रकाश स्रोत से आने वाला एक प्रकाश पुंज परावर्तक पर गिरा था, ये वाला थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इसको बतलाऊंगी। छोटे छोटे एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा और मैं यही चाहती हूँ कि मैं धीरे धीरे बतलाऊं लेकिन आप लोग को अच्छी तरह से समझाऊं। ठीक है, तो आज यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। ठीक है, और बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए 4 मंथ मैं पीछे हो गई, काफी वीडियोस मैं नहीं बना पाई। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है कि बच्चों को मेरे चलते परेशानी होगी। 4 मंथ मैंने कुछ नहीं कर पाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं फटाफट कैंप पूरा करूंगी, 9th क्लास फिर 8th क्लास। ठीक है, ओके, आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, ओके, बाय, गुड बाय, थैंक यू।